नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल झांसी स्टडी में। मैं और आज बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर। मैं जीके के प्रश्न डिस्कस करने वाले हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके के प्रश्न डिस्कस करूँगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आपको आज की क्लास मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर देखते हैं कि आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, कौन से बांध कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की पहली महिला शासनाध्यक्ष किसे चुना गया था। विश्व की कौन सी महिला थी वो जैसे शासनाध्यक्ष चुना गया था, तो कौन थी फ्रेंड्स वो, श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका। कहाँ की थी ये, श्रीलंका की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि ट्रेन टू पाकिस्तान आ सूटेबल बॉय दोनों किताबों के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान और सूटेबल बॉय किताब के लेखक कौन है फ्रेंड्स, यहाँ से तो इनमें से कोई नहीं। क्या है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार भी कि भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ऑप्शन में क्या होगा वहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रीनगर कौन सी नदी किनारे स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपकी है झेलम नदी। कौन सी फ्रेंड है, झेलम नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोल या गैस को मिलाता है। अंतःदहन इंजन में ऐसा कौन सा उपकरण है जो वायु और पेट्रोल गैस को मिलाता है, तो कौन सा है फ्रेंड्स वो, कार्ब्यूरेटर। कौन सा फ्रेंड्स वो, कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर ये आपका क्या करता है, अंतःदहन इंजन को मिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, अंटार्कटिका। कहाँ है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस वस्तु की बनी होती है। कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है फ्रेंड्स वो किसकी बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ से, किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सिकंदर महान ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किस वर्ष किया था उसने, कब किया था, 326 ईसवी पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि तापमान की एसआई इकाई क्या है। तापमान की एसआई इकाई क्या है, तापमान की एसआई इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस। क्या है फ्रेंड्स, डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तीनों शेरों के हमारे प्रतीक राष्ट्र के प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्र प्रतीक के नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद की रचयिता कौन है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद की रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद की रचयिता कौन है फ्रेंड्स, जयदेव। कौन है फ्रेंड्स, जयदेव। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक करता है। जो रक्त का कौन सा घटक होता है वो स्कंदन में सहायक होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स। क्या होती हैं वे, आपकी प्लेटलेट्स जो होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि विश्व का सबसे विशाल वन कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, विश्व का सबसे विशाल वन कहाँ है फ्रेंड्स, ब्राज़ील। कहाँ है फ्रेंड्स, ये आपका ब्राज़ील। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा जीवित पशु किसे माना जाया है। पृथ्वी पर सबसे छोटा जीवित वस्तु किसे माना, जीवित पशु किसे माना गया है, तो जीवित पशु कौन सा, पिग्मी मार्मोसेट। कौन सा फ्रेंड्स, पिग्मी मार्मोसेट।
ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। कहाँ से करता है वो? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? वो यूरेनस। कौन सा है फ्रेंड्स? यूरेनस ऐसा करता है। क्या करता है ये? सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 2014 को शुक्र मनाया गया था। 2016 में यह दिवस कौन से दिन मनाया जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसी प्रकार के फ्रेंड्स क्वेश्चन छोड़ देते हैं याद करने में, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो न्यू गिनी। कौन सा फ्रेंड्स? यहाँ से न्यू गिनी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि विश्व पर विशालतम जीवित पक्षियों में से सबसे भारी कौन है। ठीक है, तो विश्व पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे भारी कौन है फ्रेंड्स? तो ये है आपका शुतुरमुर्ग। क्या है फ्रेंड्स? शुतुरमुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर? शुतुरमुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 से अधिक रिएक्टर संकेत में भूकंप औसतन कितने वर्ष में पृथ्वी पर आता है। 9 से अधिक रिएक्टर संकेत में भूकंप औसतन कितने वर्ष में पृथ्वी पर आता है? कितने वर्ष में आता है फ्रेंड्स? ये 50 वर्ष में 1 बार। कितने में? 50 वर्ष में 1 बार पृथ्वी पर आता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 2014 में गोवा का नया मुख्यमंत्री कौन बना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक पहले का करंट अफेयर का था ये पहले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फ्रेंड्स है यहाँ पर, ये इनमें से कोई नहीं। क्या है फ्रेंड्स? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हिमरेखा या स्नोलाइन इनमें से क्या है। हिमरेखा या स्नोलाइन इनमें से क्या है? तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स क्या है, ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ इसके ऊपर बर्फ स्थायी रूप से पूरे वर्ष बनी रहती है। ठीक है, ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ स्थायी रूप से पूरे वर्ष बनी रहती है उसको कहते हैं हिमरेखा या स्नोलाइन कहते हैं। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा, तो काजीरंगा कहाँ है फ्रेंड्स? यहाँ से असम में। क्या है फ्रेंड्स? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रथम बार 13 शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रथम बार 13 शतक किसने कौन से खिलाड़ी ने लगाया था फ्रेंड्स? तो ये लगाया था आपके वीरेंद्र सहवाग ने। किसने लगाया था फ्रेंड्स? वीरेंद्र सहवाग ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर रेगिस्तान का प्रतिशत पिछले क्षेत्र 125 वर्षों में कितना बड़ा है। तो पृथ्वी पर रेगिस्तान का प्रतिशत क्षेत्र पिछले 125 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ गया यहाँ से फ्रेंड्स? 11। कितने प्रतिशत? 11%। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता है। इनमें से जो चार हुए हैं, कोई महाशिवरात्रि, महाकुंभ, गणेश चतुर्थी या दशहरा, ऐसा कौन सा त्यौहार है जो हर वर्ष नहीं मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप जानते हो कुंभ मेला हर 4 साल में लगता है, लेकिन हर वर्ष नहीं मनाया जाता है। कितने वर्ष में लगता है? 4 वर्ष में लगता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान का क्या मापा गया है। पृथ्वी पर सर्वाधिक और न्यूनतम, तो न्यूनतम और सर्वाधिक कितना है? सर्वाधिक 58 मापा गया, न्यूनतम मापा गया 88। कितना फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा, सबसे कम। तो न्यूनतम कितना है और अधिकतम कितना है? तो अधिकतम है आपका 58, सबसे कम कितना है? -88°C। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो केरल में सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने वाली कौन से फ्रेंड्स? वो है आपकी मलयालम। कौन से फ्रेंड्स? मलयालम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष में स्वीकृत एक रैंक एक पेंशन किस पर लागू है।
वर्ष में स्वीकृत एक रैंक एक पेंशन किस पर लागू है? तो किस पर है ये फ्रेंड्स, ये आपकी है सशस्त्र सेना पर। किस पर फ्रेंड? सशस्त्र सेना पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी कठोर सतह नहीं होती है? तो फ्रेंड्स कौन सा है वो ग्रह है? वो है आपका बृहस्पति। कौन सा फ्रेंड्स? बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में क्या फ्रेंड्स, कि भारत में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए उपकुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत में जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसको पुनः स्थापित करने के लिए उपकुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स, देखें यहाँ से क्या है आपके, मांटेहक अहलूवालिया। कौन से हैं? मांटेहक अहलूवालिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इन, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है रीजनिंग से, इसके बाद देखते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है और कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ? ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया के कोरल समूह। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के कोरल समूह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हरियाणा किस वर्ष भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? ठीक है, तो फ्रेंड तो हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? ये हुई थी आपकी 1966 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके हैं PV सिंधु। कौन है फ्रेंड्स? ये आपकी ये PV सिंधु। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन कि भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स आपका है लद्दाख। कौन सा है फ्रेंड्स? लद्दाख, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की विशालतम झील कौन सी है? ठीक है, विश्व की सबसे विशाल झील कौन सी है फ्रेंड्स? तो ये आपकी कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन से फ्रेंड? कैस्पियन सागर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समुद्री मील की लंबाई कितनी मीटर होती है? एक समुद्री मील की लंबाई कितनी मीटर होती है? तो कितने मीटर होते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आपके? 1852 किलोमीटर। कितना होता है फ्रेंड्स? 1852 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना में कॉमोडोर से ऊपर कौन सा पद होता है? तो भारत नौसेना में कॉमोडोर से ऊपर वाला कौन सा पद होता है? कौन होता है? एयर एडमिरल। कौन होता है फ्रेंड्स? एयर एडमिरल। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको फ्रेंड्स पसंद आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको रोजीना पुलिस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस पेपर मैं यहाँ से आपको सॉल्व कराता हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पर डे मिल सके और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से आपका कि दक्षिणी राज्यों में कौन से राज्य की अधिकतम अन्य राज्यों से सीमा मिलती है? दक्षिण के जो राज्य होते हैं उस कौन से ऐसे राज्य की अधिकतम सीमा अन्य राज्यों से मिलती है? तो कौन से है फ्रेंड्स वो? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कौन से फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया है? तो भारतीय रुपये का नया जो प्रतीक बना है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया? तो ये है डॉक्टर उदय कुमार। कौन से फ्रेंड्स? यहाँ से आपके डॉक्टर उदय कुमार ने जो नया 1 करोड़ रुपये सिक्का जारी हुआ उसका उसने डिजाइन किया है। किसने किया है? डॉक्टर उदय कुमार ने। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? कौन से फ्रेंड्स यहाँ पर आपके? वो है आपका केरल राज्य। कौन सा फ्रेंड्स? केरल राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि कंप्यूटर प्रणाली में NAS और SAN में N का क्या अर्थ होता है? ठीक है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन कि कंप्यूटर में प्रणाली में जो NAS होता है और SAN होता है, तो इसमें N का क्या अर्थ होता है? तो N का अर्थ N फॉर नेटवर्क। क्या होता है फ्रेंड्स?
एन फोर नेटवर्क, क्या होता है फ्रेंड्स, एन फोर नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा। कौन से फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा, कौन से फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दिन और रात की अवधि में विभिन्नता का क्या कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, दिन और जो रात की भिन्नता होती है उसमें क्या कारण होता है, तो उसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, उसका ये कारण होता है कि पृथ्वी का 66 माइनस 1/3 डिग्री के कारण ये कोण पर झुका होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 66 माइनस 1/2 डिग्री के कोण पर झुका होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टिहरी बांध योजना कौन सी नदी पर है। टिहरी बांध योजना कौन सी नदी पर है, तो कौन सी नदी पर फ्रेंड्स, यहाँ पर यह आपको भागीरथी नदी पर। कौन से फ्रेंड्स, भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि नामचिक और नामफुक कोयले का भंडार कौन से राज्य में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नामचिक नामफुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो नामचिक नामफुक से जानेंगे आप कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ फ्रेंड, ये अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। कौन से महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, तो फ्रेंड्स कौन सा होता है वो आपका, प्रशांत महासागर। कौन सा होता है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मैरडेगा कब किस खेल से संबंधित है। मैरडेगा किस से संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये आपका फुटबॉल से। किस से फ्रेंड, फुटबॉल से। मैरडेगा किस से संबंध है फ्रेंड्स, फुटबॉल से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर है, तो ठीक है फ्रेंड्स इसको हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्फ का एक टुकड़ा पानी के गिलास में तैर रहा है और बर्फ पिघलने पर पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में पिघल रहा है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह वहीं का बना रहता है। क्या रहता है, वह वहीं पर बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। सबसे कम ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है, सबसे कम किसमें होती है फ्रेंड्स, तो ये होती है आपकी किसमें होती है फ्रेंड्स, तो ये होती है आपकी वायु में। किसमें फ्रेंड्स, वायु में। और सबसे तेज किसमें होती है, सबसे तेज होती है इस्पात में। किसमें होती है फ्रेंड, इस्पात में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा होती है इस्पात में और सबसे कम होती है आपकी वायु में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पहली बार कब पुनः गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पहली बार भारत के कौन से राज्यों का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, तो कब हुआ था फ्रेंड्स, 1953 में। कौन से में फ्रेंड्स, 1953 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि ये करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व का प्रथम SMS किस वर्ष भेजा गया था। प्रथम, देखो फ्रेंड्स कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए इसमें कि विश्व का प्रथम SMS किस वर्ष भेजा गया था। किस वर्ष भेजा गया था फ्रेंड्स, 1992 में। कब भेजा गया था, 1992 में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि 1999 पंचायती राज की सीमा समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 1977 में जो पंचायती राज की समीक्षा हुई थी, तो उसकी किसने गठित किया था फ्रेंड्स, तो किसने गठित किया था, यह थे आपके अशोक मेहता। कौन थे फ्रेंड्स, अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है। ठीक फ्रेंड्स, तब जब हमारे ध्वज तिरंगे की बात होती है तो चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, 3:2 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 3:2 होता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी नदी केवल भारत में बहती है व अन्य देश में नहीं बहती है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो केवल भारत में ही बहती है और अन्य देशों में नहीं बहती है, तो कौन सी है, गोदावरी नदी। कौन सी है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी है। केवल ये भारत में बहती है, इसके अलावा किसी और देश में नहीं बहती है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिक्किम किस वर्ष में भारत का 22वां राज्य बना था, मतलब सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, ये कब बना था फ्रेंड्स, तो ये बना था आपका 1975, कब बना था फ्रेंड्स 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि रामायण की कथा में सीता हरण के बाद सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था, ठीक है, आपने देखो यहाँ से फ्रेंड्स रामायण मतलब रामायण से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आज वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी रात को मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप मेरी बात से सहमत होंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण की कथा में सीता हरण के बाद सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था, तो कौन थी फ्रेंड्स वो पाजेब मतलब पायल थी, वो क्या थी फ्रेंड्स पायल, जो पायलें थी उनको लक्ष्मण जी ने पहचान लिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिजली व ऊर्जा की अलग अलग इकाइयों में ऊर्जा की क्या इकाई है, ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा क्या होता है वाट घंटा, क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ से ऊर्जा की इकाई क्या होती है वाट घंटा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स से छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2008 में भारत रत्न किसको दिया गया था, हाँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत नीचे का क्वेश्चन पूछ लिया, 2008 में भारत रत्न किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था फ्रेंड्स आपको भीमसेन जोशी को, किसको दिया गया था भीमसेन जोशी को दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं आपको कल फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा MCQ क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।